अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो आपको कोच और मेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, वरना उसके बगैर नहीं बन सकते। कि टीचर तो है बस क्या है यार, ये 25-30 हज़ार रुपए कमा रहा होगा, फेलियर है। नहीं, वो फेलियर नहीं होता, फेलियर नहीं है वो भाई। उसके हाथ से कितने लोग जो है ना दुनिया में जाके नाम कर लिए हैं। ऐसा ही है, उस्ताद जो है वो जरूरी होना चाहिए, मेंटर जो है ना वो सेट करना चाहिए, फॉलो करके जो है ना अपनी जिंदगी के अंदर जो है ना वो तरक्की पाऊंगा। जमाने में होता था कि टीचरों की बहुत इज्जत हुआ करती थी, शादियां भी हो जाती थी तो फिर भी अपने टीचरों से शादी कर, ये चीज बहुत मिसिंग है। सही है, हर चीज जो है वो गूगल पे मिल जाएगी, सब चीज हो जाएगी। सोबत जरूरी होती है, नॉलेज होता है, नॉलेज को वो किस तरीके से आगे पहुंचाता है। जाने स्पोर्ट्स मैन जो है ना किसी भी कोच के बगैर नहीं बन सकता। मतलब वो एक क्रिकेटर होता है, किसी चीज के अंदर लैग कर रहा होता है तो कोच से डिस्कस करता है, कोच उस पर काम करता है और फिर जो है ना वो परफॉर्म करने लग जाता है। कोचिंग और टीचिंग बेसिकली आपका जो एक प्रिंसिपल सेट करता है, कोच टीचर मेंटर, ठीक है, या आपका भाई भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, या आपका फादर भी हो सकता है। सबका फादर आपको सिखाएंगे, वो दुनिया में कोई भी नहीं सिखा सकता। सिखाएंगे एक बच्चे के लिए जो हीरो होता है ना उसका बाप होता है। चलना कौन सिखाता है, और उनका तजुर्बा है 40 साल का। सही है, तो अगर आपने उनसे 40 साल का तजुर्बा ले लिया, बात है वो भाई को भी देख सकते हैं। जिसका भाई भी ना हो, भाई ना हो तो वो दोस्त को देख सकते हैं। जिसके दोस्त भी ना हो, जिसके दोस्त भी ना हो टीचर को देख सकते, टीचर को देख सकते हैं। हर इंसान जो है ना, ठीक है, कोई ना कोई पते की बात कर देता है। चाहिए आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए, आपने पिक क्या वो पिक कर वो चीज। ये भी मेंटोर हो सकता है, ऐसे ही मेंटोर हो सकता है। आप बॉसेस होते हैं मेंटोर्स उनके, यार बड़ी कंपनी का सीईओ है, बिजनेसमैन बनना है, शुरू से उसने स्टार्ट किया, कितना स्ट्रगल किया, तो आपको ये रिसर्च तो करनी पड़ेगी, अपना मेंटोर सेट करना बनाना पड़ेगा। कोचिंग का कोई टाइम नहीं होता, सीखने का भी कोई टाइम नहीं होता। किसी के बड़े बड़े नाम हो जाते हैं, मेंटोर्स पहले से ही सेट किए हुए होते हैं, मशवरे कर रहे होते हैं, वो उनका कोच होता है, कुछ भी होता है। 14 से 15 साल की उम्र के अंदर आप जो है ना ये जरूर चीज करें। कोई लोग बड़े भी हो जाते हैं और उन्होंने अब तक ये चीज नहीं की हुई, इसको अपनी जिंदगी में अपनाएं, इससे इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुर्रम जाहिद और आप देख रहे हैं खुर्रम जाहिद बिहाइंड द सीन्स। तो हमने शुरू किया हुआ है सस्ता पॉडकास्ट और मेरे साथ मौजूद हैं असद नवाबजादा। असद भाई सबको सलाम करें। वाहसलाम यार, असद भाई सबको सलाम करने को कहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैर ये लोग तो सब ठीक ही होंगे। आप कैसे हैं खुर्रम भाई? आप भी कैसे? ठीक हैं? तो ये तो आपको पता है, आप मुझसे पहले ही मिल चुके हैं। ये आप क्या वीडियो में इस तरीके का चीज़ बंद करें? मतलब तो मैंने बस पूछ लूँ, हाल हवाल पूछ लूँ आपके। अच्छा, इतने सीरियस क्यों गए यार? थोड़ा सा तफरी भी कर लिया करो तुम, इतने सीरियस। हाल हवाल ही पूछा है आपसे। सही है। तो खैर असद भाई, आज क्या टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं? आज का हमारा टॉपिक लिंक करता है जो एक इंसान का जो करियर होता है, ठीक है, उसके हवाले से हम जरा हाईलाइट करेंगे चीज़ों को। करें क्या है टॉपिक? टॉपिक बताएं। टॉपिक हमारा है इंपॉर्टेंस ऑफ कोच एंड मेंटर इन अवर लाइफ्स। मतलब मैं बता देता हूँ, इसका कहने का मकसद ये है कि आपका जो है ना कोई उस्ताद जो है वो ज़रूरी होना चाहिए, और आपको जो है कोई अपना मेंटोर जो है ना वो सेट करना चाहिए कि भाई मैं इसको जो है ना अपना आइडियल मानता हूँ और मैं इसको फॉलो करके जो है ना अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है ना वो सक्सेस हासिल करूँगा। ये कहने का मकसद है, यही कहना चाह रहे हैं जी। ज़रा इसको ब्रीफली हम डिफाइन ये करेंगे कि आजकल की जो यूथ है, ठीक है, पहले ज़माने में होता था कि टीचरों की बहुत इज्जत हुआ करती थी। सही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर उनसे ऐसा नहीं कि खाली पढ़ाई तक ताल्लुक होता था। अच्छा। पढ़ाई के बाद भी जो है ना शादियां भी हो जाती थी तो फिर भी अपने टीचरों से कांटेक्ट। टीचरों से शादी हो जाती थी? अरे टीचर मतलब शादियां हो जाती थी, स्कूल लाइफ गुजरी, यूनिवर्सिटी लाइफ गुजरी। अच्छा। उसके बाद भी कांटेक्ट में होते थे, मतलब अपने उस्तादों से कांटेक्ट में रहते थे। बच्चे भी हो गए तो ऐसी बात है, अगर उनके टीचर हयात हैं तो उनसे कोई भी अगर फंसते थे वो अपनी लाइफ में तो उनसे वो गाइडेंस लेने पहुंचते थे, चीजें होते थे। तो आजकल ये चीज़ बहुत मिसिंग है। सही है। तो आपको पता है फिर ये जाहिर सी बात है, फिर एक अच्छा जो बंदा है, ठीक है, वो महरूम रह जा रहा है इन चीज़ों से। सही है, ठीक है, क्योंकि वो समझता है कि नहीं मैं ही मगर मेरे पास दिमाग है तो मुझे किसी के पास जाने की क्या जरूरत है। पर टेक्नोलॉजी का दौर है, मतलब की दुनिया है ना, टेक्नोलॉजी का दौर है, लोग बोलते हैं हर चीज जो है वो गूगल पे मिल जाएगी, सब चीज हो जाएगी, मगर आपको हर चीज गूगल पे नहीं मिलती, ठीक है। सोबत जरूरी होती है नॉलेज। देखिए नॉलेज तो आपको मिल जाएगी मगर नॉलेज को बताने का जो तरीकेकार है, टीचर का क्या काम होता है आप बताएं? टीचर का काम ये होता है नॉलेज को वो किस तरीके से आगे पहुंचाता है, ठीक है। गूगल तो आपको एक सिंपल नॉलेज तो वो भी दे देगा, नहीं देगा, मगर उसको बताने के तरीकेकार क्या है, किस तरीके से समझा रहा है। कुछ ऐसी बातें आपने भी स्कूल लाइफ यूनिवर्सिटी लाइफ गुजारी है तो आपको भी ये चीज का आइडिया होगा कि कुछ ऐसी मिसाल आपके टीचर ने दी होगी जो आपके अभी तक दिमाग में बैठी है। तो माशाल्लाह अपने टीचरों की बहुत मिसालें याद हैं। आप दे मिसाल, दे मैं देखता हूँ कौन से टीचर की मिसाल। टीचर की मेरी एक मिसाल थी तो वो कहते थे कि असद हमेशा जो है ना तुम अपने आप पे भरोसा रखना, ठीक है, दुनिया जो है ना वो नसीहत हो गई ना सर, ये
मतलब तो टीचर ने आपको नसीहत कर दी ना, बात कहते थे एक चीज होती थी कि किसी, आप मुझे बता रहे थे कि टीचर पढ़ाते कैसे थे, आप ये बता रहे थे, आपको बता रहा हूँ कुछ बातें भी याद रह जाती हैं, आप सुने सही, मतलब चलो ठीक है, आप मेरी बात सुने तो सही है, सही है कि कुछ ऐसी चीजें होती है अगर कोई आपको डिग्रेड करता है, ठीक है, भरोसा रखना, कोई आप बोलता है कोई यार नहीं आप तुम ये नहीं कर सकते, ठीक है, अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए कुछ हो गया, तो कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो आपको, मतलब अगर आपके 9 सब्जेक्ट से 8 सब्जेक्ट्स होते हैं क्लास 8 तक, हमारे इतने होते हैं, उसमें अगर आप 3 सब्जेक्ट में अच्छे हो, 5 में अच्छे नहीं हो, सही है, तो जो 3 सब्जेक्ट में आप अच्छे हो मतलब कुछ चीज में तो आप अच्छे हो ना, सही, मतलब आप उस चीज में एफर्ट नहीं कर पा रहे, आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं है, इंटरेस्ट डेवलप करोगे तो हो जाओगे ना आप चीज में, तो इसमें भरोसा कहाँ आ गया, भरोसे की बात कहाँ हो रही है इधर, इधर बात हो रही है, आपने तो कहा कि मेरे टीचर ने मुझे कहा था कि जी असद तो भरोसा रखना, भरोसा ये रखना कि हमेशा कभी हिम्मत नहीं हारना, ये चीज हुई ना, कभी हिम्मत नहीं हारना, मतलब बात सारी है कि आप किसी कैसी भी सिचुएशन आ जाए फोकस करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और कोई भी सिचुएशन आ जाए आप ना झेल लोगे उसको, ऐसे ही है, देखें जो टीचर्स की जो एक इम्पोर्टेंस होती है हमारी जिंदगी में, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स के वाले से अगर हम देखें, आप यकीन जाने स्पोर्ट्स मैन जो है ना किसी भी कोच के बगैर नहीं बन सकता, आप मुझे कोई भी स्पोर्ट्स मैन की एक मिसाल दे दे जो अपने बगैर किसी कोच के बगैर वो बनाओ, नहीं बन सकता, सही कह रहे, कोचिंग की इतनी अहमियत है, अच्छा, स्पोर्ट्स में और हर किसी फील्ड में, हर चीज में, हर चीज में, अगर हम स्पोर्ट्स को लें तो स्पोर्ट्स में तो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है स्पोर्ट्स, मतलब वो एक क्रिकेटर होता है किसी चीज के अंदर लैग कर रहा होता है तो कोच से डिस्कस करता है, कोच उस पे काम करता है और फिर जो है ना वो परफॉर्म करने लग जाता है, अच्छा, होता है? टीचिंग करती क्या है, कोचिंग करती क्या है, बताओ, कोचिंग और टीचिंग बेसिकली आपका जो एक प्रिंसिपल सेट कर देती है, क्या कि आपके असूल बना देती है, सही ठीक है, मतलब मैं जब खेलता था अंडर 17 खेलता था तो मेरे जो कोच होते थे, ठीक है, तो यही कहते थे कि अगर जिंदगी में कुछ आगे करना है बनना है, ठीक है, तो सबसे पहले अपना रूटीन सेट करो, लेकिन बन नहीं सके क्रिकेटर, रूटीन सेट करो अपना, वो एक अलग मिसाल है, एक अलग कहानी है, एक अलग चीज है कि क्यों नहीं बन सके, क्या मामला थे, क्या शौक था भाई को खेलने का, पाकिस्तान यहाँ पर जो है ना सितारा लगाने का बड़ा शौक था, खैर कोई बात नहीं, नसीब की बात होती है तो चुने हुए होते हैं, बस अल्लाह जिसको दे दे, तो लेकिन अच्छा खेलता था, तो ऐसे ही है, हाँ ऐसे ही, ऐसे ही, तो बात यह है सारी कि वो कहते थे अपनी लाइफ में एक रूल बनाओ, ठीक है, अपने प्रिंसिपल बनाओ कि अगर तुम्हें कुछ जिंदगी में कुछ पाना है ना तो तुम्हें जाहिर सी बात है कुछ चीजें तुम्हें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, सही है, तो ऑब्वियसली वो चीज समझते नहीं थे उस वक्त, सही है, बच्चे थे इतने बड़े थे नहीं, अब वो चीज़ को रियलाइज होता है कि नहीं वाकई वो सच कहते थे कि अपना जब तक आप एक टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखोगे, अगर आप 6 बजे 6:30 बजे नहीं उठोगे, रूटीन नहीं बनाओगे तो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे आप जो है कामयाब हो सकते हो, मतलब सुबह उठने की इतनी उन्होंने मुझे बताई कि इतनी अहमियत है, इतनी चीज़ें हैं कि आपका डे पूरा प्रोलॉन्ग हो जाता है। मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? जी जी, आप देंगे जवाब? जी, पहले आप पी लें। सवाल मेरा ये है कि आजकल आप कितने बजे उठ रहे हैं सुबह? मैं उठता हूँ 8 बजे तकरीबन। अभी तो आप 6 की बातें कर रहे हैं। मैं आपको ये तो बता रहा हूँ कि देखिए, इसका मतलब आप फेलियर पे हैं अभी? नहीं, फेलियर पे नहीं है, कहने का मकसद ये है कि रूटीन अपना ऐसा बनाया हुआ, सेट किया हुआ ना कि है, मुझे 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 बहुत चीज का ये कि 5:30-6 बजे जो भी टाइमिंग होती है उठे, उसके बाद अपना जो है एक्सरसाइज वगैरह करें, एक्सरसाइज करने का जो है ऑब्वियसली शौक है मुझे, तो मगर अभी टाइम नहीं मिल पा रहा क्योंकि जॉब में आप इतने फंसे पड़े होते हो, तो सारी चीजें देखनी पड़ रही होती है। तो बात हमारी चल रही थी, आप मिसाल दे रहे थे भाई कोच की इम्पोर्टेंस क्या है, आपको कोच ने बताया भाई सुबह जल्दी उठ जाओ, निकल जाओ, रनिंग पे निकलो, एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज है जी, कोच टीचर मेंटर, ठीक है, ये आपका भाई भी हो सकता है, ये आपका दोस्त भी हो सकता है, ये आपका फादर भी हो सकता है, सबसे अच्छा तो मेंटोर होता है आपका फादर होता है, सही कह रहे हैं, जो आपका फादर आपको सिखाएंगे वो दुनिया में कोई भी नहीं सिखा सकता, सिखाएंगे सिखाएंगे ना, जो सीखते भी हैं, देखो फादर सिखाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको, आप नहीं सीखना चाह रहे, लोग सीखते नहीं है, बात तो यही है ना, फिर वो आपको बैठ के बच्चों की तरह समझाएंगे, वो तो बच्चे ही है ना, आप उसके सबसे अच्छा जो अच्छा एक बच्चे के लिए जो हीरो होता है ना उसका बाप होता है, सही कह रहे, भाई वगैरह दोस्त वगैरह तो बहुत बात की कहानी है, वो बहुत छोटा सा होता है, ठीक है, अपने बाप को देखता चलना भी नहीं आता, उसको चलना कौन सिखाता है, उसको कंधे पे जो है वो झूले कौन जलाता है, बाप, बाप जलाता है ना, इस तरह दुनिया को फेस किस तरीके से करना है, सही कौन है? सिखाता है, बाप सिखाता है, अब जिस जिनके माशाल्लाह बाप हयात हैं वो तो इस चीज़ को देखें, वो पूछें अगर वो कहीं फंसते हैं तो वो अपने जॉब से जाके मशवरे लें और निकलते हैं, ऐसी बात नहीं, मैं भी बहुत सारे मशवरे करता हूँ, बड़े अच्छे मशवरे मिल जाते हैं, उनका जो एक टाइम स्पैन उन्होंने गुजारा है अपनी लाइफ में, तो ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस आपके अंदर पुट करेंगे, अब आप मिसाल है अब आप 30 साल के हैं, ठीक है, और उनका तजुर्बा है
40 साल का, सही है। तो अगर आपने उनसे 40 साल का तजुर्बा ले लिया तो सोचो आपका एक्सपीरियंस कितने साल का हो गया। अगर आपका एक्सपीरियंस किसी प्रोफेशनल फर्म में या किसी प्रोफेशनल बिजनेस में 15 साल का या 5-10 साल का है, उसमें आप 40 साल और एड ऑन कर दो तो आपको 50 साल का एक्सपीरियंस मिल गया। Exactly. तो फिर आपको कोई भी जो है वो चीट नहीं कर सका, धोखा नहीं दे सकता। मतलब आपने जो है ना सारा उनकी जिंदगी का निचोड़ अपने अंदर जो है ना वो ट्रांसफर कर लिया, यही कहने का मकसद है। ऐसे ही है। तो वो किसी भी, कहने का मकसद है वो किसी भी शक्ल में हो सकता है, जरूरी नहीं है खाली वो टीचर की शक्ल में हो, कोच की शक्ल में हो, वो आपकी शक्ल में, आपकी शक्ल में हो, भाई की शक्ल में हो सकता है। उनके वाले साहब हयात नहीं है, ठीक है, वो भाई उनका ऐसी बात है, वो भाई को भी देख सकते हैं। जिसका भाई भी ना हो, भाई भी ना हो तो दोस्त को देख सकते हैं। सही है। जिसके दोस्त भी ना हो, जिसके दोस्त भी ना हो वो, तो वो टीचर को देख सकते, टीचर को देख सकते हैं। मतलब मिल जाता है कोई ना कोई, तो आपको आप करते हो ना, ढूंढते हो। अब जैसे जो सेलिब्रिटीज होते हैं, ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई हमने इनको देख के जो है ना वो अपनी एक्टिंग स्टार्ट करी। सही है, करते हैं बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी। देखिए हमने, मैं आपसे एक ये चीज सवाल करना चाहूंगा, आपने ये पॉडकास्ट पे मतलब जो देना शुरू किया, किसी को तो देख के किया, किसी को देख के नहीं किया करम भाई, ये आपकी अपनी इन्वेंशन है जी। ये मेरी क्या, ये आपकी इन्वेंशन है, मतलब हमारी दोनों की है, इन्वेंशन है। सही तो है। कहने का मकसद ये है कि देखें, अगर आप किसी से कुछ सीखते हो ना, ठीक है, तो उसको मतलब एक रिपीट करने में, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। सही है। नहीं, हम भी सीख रहे होते हैं यार, मतलब हम दूसरों की वीडियोस देख रहे होते हैं तो हम भी उसमें से जो अच्छी चीजें होते हैं वो पिक कर लेते हैं, और फिर जाहिर सी बात है जो है ना वो बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और बड़ा सोचते हैं, बड़ी सोच और विचार करके ना एक अच्छी सी चीज हम जो है ना कोशिश करते हैं आपके सामने लेकर आए। ऐसा ही होता है, ऐसे ही। देखें हर इंसान जो है ना, ठीक है, कोई ना कोई पते की बात कर देता है। सही है। बस आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए, आपने पिक क्या, वो पिक कर वो चीज। मतलब अगर एक बंदा अगर आधे घंटे की भी आपसे कन्वर्सेशन कर रहा है, भले 29 मिनट की कन्वर्सेशन उसने आपके मतलब की नहीं करी हो, आपको समझ में नहीं आई हो, सही है, एक मिनट की उसने कन्वर्सेशन ऐसी करी होगी जो कहीं ना कहीं आपको फायदा देगी, तो ये भी मेंटोर हो सकता है। ऐसा ही मेंटोर हो सकता है। अब आपकी डिपेंड करता है कि आप चीजें आगे से परसीव कैसे करते हो, लेते कैसे हो, उससे सीखते कैसे हो। हर जगह जाएंगे आपको, जहां आप सीखने वाले बनेंगे ना, तो आप ऑफिसेस में सीखेंगे, आप जो है लोगों के बॉसेस होते हैं, मेंटोर्स उनके यार, मतलब वो देखते हैं यार ये बंदा कितनी महारत से काम कर रहा है, तो मैं जो हूँ मैं भी क्यों ना इस तरीके से काम करूँ। ऐसे ही है। और लोग जो है ना उनके नक्शे कदम पे चल के मतलब और ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। बनाना भी पड़ता है। देखें बात सारी है कि अगर आपको एक बिजनेसमैन बनना है तो आप किसी बड़े बंदे को देखेंगे, बड़े बिजनेसमैन को देखोगे तो सही ना उसको। सही है। आप उसके एक पूरे एक बायोग्राफी पढ़ोगे ना, सही है, ठीक है कि यार इसने ये अगर ऊपर गया तो ये क्या गया, कैसे गया। सही है। आप देखोगे बहुत शुरू से स्टार्ट किया। आप किसी को भी देखते हैं, ठीक है, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। सही है। जैसे अभी मैंने मिसाल दी थी सेलिब्रिटीज की, जैसे आप एक स्पोर्ट्समैन की आप देते हो, ठीक है, क्या आप देखते हो यार उस बंदे ने स्टार्ट कहाँ से किया। सही है। ठीक है, उसने क्या क्या चीजें करी। बिजनेसमैन की जैसे मिसाल दे लें, आपकी बिजनेसमैन या किसी बड़ी कंपनी का सीईओ है। सही है। तो वो आप देखते हैं उसने कहाँ से ग्रेजुएशन करी, उसके बाद उसके स्टार्टिंग करियर उसने कौन सी कंपनी से स्टार्ट किया, कितना टाइम उसने वहां लगाया। सही है। तो ये देखें अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा बनना है ना, ठीक है, तो आपको ये रिसर्च तो करनी पड़ेगी, अपना मेंटोर सेट करना बनाना पड़ेगा, आपको मेंटोर बनाना पड़ेगा, फिर मेंटोर ऑब्वियसली मेंटोर भी बनाए सक्सेसफुल बंदे को। सही है। सक्सेसफुल। और एक और चीज ना, मेंटोर तो आपने बना लिया जी, कोच की भी तो जरूरत है, कोच की जरूरत भी है, कोच भी किसी को रखे। हाँ, मतलब यानी कि किसी को सोच के रखे यार ये मुझे गाइड करता रहे जिंदगी के अंदर। देखिए सही है, ऐसे ही है। उनका कोई टाइम नहीं होता, और सीखने का भी कोई टाइम नहीं होता। सही है। आप 40 साल में 45 साल में भी जो है ना अगर आप बोलते हो मुझे कुछ सीखना है लाइफ में, तो आप उस वक्त भी कोच हायर कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन क्या आपको स्किल सीखनी है। तो उसमें भी आप ये नहीं सोचो कि यार एक टाइम मेरा निकल गया तो मैं अब जो मैं जैसा हूँ वैसे। देखिए सीखने की जो एक कोई एज नहीं है सर, जस्तु जो होती है ना वो इंसान की 60 साल तक भी रहती है, जब तक अरे यार जब तक जिंदा है ना तो वो सीखने का तो रहता ही है ना। बस ये है कि आप जो है एक राइट पर्सन सेलेक्ट करें, ठीक है, दोनों कोच भी और मेंटोर भी, कोच भी और मेंटोर भी, टीचर भी, जो जैसे भी हैं कोई भी हो सकता है, किसी भी वे मैनर और फॉर्म के अंदर हो सकता है आपके पास। ऐसे ही, ऐसे ही। तो खैर मतलब असद भाई आप जो है ना क्या मैसेज देना चाहेंगे, आज बहुत ही अहम बात की आपने, क्या मैसेज? मैसेज ये देंगे कि जो यंगस्टर्स हमारे हैं, ठीक है, उनके लिए अपनी जिंदगी शुरुआत कर रहे हैं, जो वो अपना मेंटोर सेलेक्ट करें। कितनी एज के हों? 14 साल, 15 साल। हाँ, जब से ही मतलब अपना जब से एक माइंड बनाए अपना, अगर या कोई छोटे बच्चे हैं वो। हाँ, देखिए असल में मसला ये होता है कि जो हमारे यूनिवर्सिटीज में होते हैं ना, वो बच्चे थोड़े शार्प होते हैं,
मतलब वो गुजर चुके स्कूल वाले बच्चे शार्प नहीं होते, स्कूल वाले बच्चे जो है ना वो टीचर से इतना इंटरेक्शन करते नहीं है, मतलब वो ऐसा नहीं कोई टीचर की लाइफ में कि आपने किस तरीके से स्टार्ट करा क्या चीज़ें, अच्छा लोग समझते हैं कि टीचर तो है बस क्या है यार ये 25-30 हज़ार रुपये कमा रहा होगा फेलियर है, नहीं वो फेलियर नहीं होता, फेलियर नहीं है वो, फेलियर नहीं होता वो, ऑब्वियसली वो अगर आपको सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है तो 5-6 जगह और पढ़ा रहा होगा वो। अरे भाई उसके हाथ से कितने लोग जो है ना वो नाम वाले जा चुके हैं जिन्होंने दुनिया में जाके नाम कर लिए हैं। ऐसा ही है, अगर आप उसे डिस्कस करेंगे और कोशिश किया करें कि अपने टीचरों से हमेशा कॉन्टैक्ट में रहा करें, कोई भी आपका कोच हो मेंटर जिससे भी आपने सीखा है ना, चाहे कोई भी हो, चाहे वो आपका दोस्त क्यों ना हो बहुत पुराना, हाँ। आप उससे कांटेक्ट में रह कर, क्या कहना चाह रहे हैं आप, कहने का मकसद मैं आपको मेंटोर माने, नहीं नहीं, नहीं कहने कोच बनाऊं आपको, कहने का मकसद ये है कि देखिए अगर किसी बंदे ने भी अगर आपको दो चीजें भी अच्छी सिखाई है ना तो मतलब वो बंदा सही है, सही है, तो कभी भी अगर आप कुछ फंसते हैं उससे मशवरा, उससे मशवरा ले सकते हैं कि मैं यहाँ फंस गया हूँ या चीजें हैं तो किस तरह। तो अभी आप बच्चों को कह रहे थे, यंगस्टर्स को कह रहे थे जी जिंदगी के अंदर कोच और मेंटोर की अहमियत जो है वो आपने रखनी है, जी लाजमी है ये, सही है, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो आपको कोच और मेंटोर सेलेक्ट करना पड़ेगा वरना उसके बगैर नहीं बन सकते। मैं जो इसको समझ इस तरीके से करता हूँ कि देखें ऐसे ही नहीं किसी के बड़े बड़े नाम हो जाते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है, उन्होंने जो है अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो मेंटोर्स रखे हुए होते हैं कि आप देखते होंगे कि इतने बड़े बड़े नाम है, इतने सक्सेसफुल लोग हैं, मतलब ये कैसे पहुंच गए यहाँ तक, तो भाई उनकी बड़ी स्ट्रगल होती है पीछे, उन्होंने जो है ना अपने मेंटोर्स पहले से ही सेट किए हुए होते हैं और जो है ना वो किसी ना किसी से, कोई जो उनके साथ फेथफुल होता है उसके साथ जो है ना वो मशवरे कर रहे होते हैं, वो होता है मतलब उनको जो है ना वो समझा रहा होता है कि अगर वो कहीं भी फंसते हैं तो इस तरीके से जो है ना एक कामयाब इंसान बनता है। तो असद भाई ने जो दिया यंगस्टर्स के लिए कि आप जो है ना अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है ना 14 से 15 साल की उम्र के अंदर आप जो है ना ये ज़रूर ये चीज़ करें, और इसमें कोई कैद नहीं है, अगर कोई लोग बड़े भी हो जाते हैं और उन्होंने अब तक ये चीज़ नहीं की तो इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, इससे इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो उम्मीद है कि मैसेज जो है वो कन्वे हो गया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ को लाइक कीजिएगा, इस पर कॉमेंट कीजिएगा, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल करके ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।